Religious space all set to open from tomorrow under strict COVID rules. The Maharashtra government has decided to open all the religious space from Thursday. Right now we have Sohail Khandwani, trustee of Mahim and Hajri Darga. Sir, what are the arrangements has been done? हमारे पास अभी जो है लगभग 40 वॉलंटियर्स है जो कंटिन्यूसली शिफ्ट्स में यहाँ रहेंगे, प्लस पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ रहेंगे, प्लस हमारे इंटरनल जो टीम के मेंबर्स हैं, हमारा स्टाफ है वो भी यहाँ रहेगा, लेडीज़ में भी हमारे वॉचमैन है। तो हम लोग लेडीज़ की एंट्री अलग से रख रहे हैं, जेंट्स की एंट्रीज अलग से रख रहे हैं ताकि कुछ धक्कम दुक्की नहीं हो, और एंट्री और एग्ज़िट दोनों हमने चेंज कर दिया। और मोस्ट स्पेसिफिकली एक अपील करूँगा मैं लोगों से कि जब गवर्नमेंट ने हमारे को इतनी सुविधा दी है और आज रिलीजियस और प्लेथ फेथ खोल दिए, तो यहाँ अपना जो माइंड को जो है ठंडा रखे और दूसरे लोग मैनेजमेंट के साथ में कोऑपरेट करें। और हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम कोई लोगों को हमारे तरफ से कोई चीज़ का नुकसान नहीं पहुँचाएँ। एक समय में कितने लोगों को भेजा जाएगा दरगाह में? हमारे वहाँ रोज़ का लगभग 3 से 4 हज़ार का फुटफॉल है, माहिम में, हाजिली में लगभग 20 हज़ार के ऊपर का फुटफॉल है, लेकिन अंदर जो जगह है जो है उसका हमारे खाली ऑक्यूपेशन अंदर जो जगह है उसमें हम लोग 25-30% से ज़्यादा हम लोग नहीं भेजेंगे और उसको रोटेट करते रहेंगे। और चादर चढ़ाने का किस तरीके से सिस्टम रहेगा? चादर का ऐसा है कि बाहर एक एरिया नॉमिनेट हो गया है, वहाँ चादरें आएंगी, गिलाफ आएंगी, वो रखी जाएंगी, उसके बाद में हर 4-5 घंटे में चादर चढ़ेंगी और वहाँ से निकल जाएंगी। लोगों को टच करने को अलाउ नहीं होगा बिकॉज लोग वहाँ आएंगे और जल्दी से ज्यारत करके बाहर चले जाएंगे। और देखा जा रहा है काफ़ी लंबे समय के बाद दरगाह खोल रही है, तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की आशंका है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी की गई है और लोगों के शूज़ उनके लिए क्या तैयारी की गई? जैसे मैंने बताया वॉलंटियर्स हैं हमारे, सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखेंगे, मास्क के बिना एंट्री नहीं देंगे। हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट लिया है जो हलाल सैनिटाइजर का, कंटिन्यूसली सैनिटाइजिंग जगह की होती रहेंगी, प्लस पब्लिक को भी सैनिटाइज करेंगे, थर्मल का अरेंजमेंट हो चुका है और यहाँ गार्ड्स रखे गए, तो यानी वी विल ट्राई बेस्ट टू सी कि हम उसके SOPs फॉलो करें।